स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट जीके से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी के संबंध में हम जो आज कंटेंट लेकर आए हैं वो है संसद की वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। इस पर हम बात करेंगे। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन अकेले अध्यक्ष से तो काम नहीं चलेगा। हमें इसके आसपास के बैकग्राउंड की बात करनी पड़ेगी और ये जो बैकग्राउंड है, जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो उनमें इसकी झलकियां मिलती है। मेरे कहने का मतलब है ये समितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते हैं और आज आपके लिए करंट कॉन्टेक्ट में इसे मैं लेकर आया हूं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर आपके लिए बन सकते हैं। संसद की वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट, तीन प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है लोक लेखा समिति, जिसको पीएसी के नाम से जानते हैं, पब्लिक ऑडिट कमेटी, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। दूसरी होती है प्राकलन समिति, ईसी के नाम से इसको जानते हैं, एस्टीमेट कमेटी। लोक उद्यम समिति, कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसका पूरा नाम होता है लोक उद्यम। इसकी जो स्थापना की यदि हम बात करें तो ये 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। जब हम नेशनल मूवमेंट में पढ़ते हैं 1919, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। 1950 में भारत सरकार के द्वारा ईसी का गठन हुआ। इसी तरीके से 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर कोपू अस्तित्व में आई। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर, आप ध्यान रखें समितियों के संबंध में काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कोपू का जो गठन है ये कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था 1964 में, और मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में पीएसी अस्तित्व में आई थी। अब हम इसके सदस्यों की यदि बात करें तो पीएसी के भी 22 सदस्य होते हैं और लोक उद्यम समिति के भी 22 सदस्य होते हैं। सेम एक ही स्ट्रक्चर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसमें लोकसभा के देखें, ये अलग से पूछे जाते हैं कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के देखें तो कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहां भी लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। और ये जो है ये केवल लोकसभा से आते हैं, केवल लोकसभा से आते हैं, ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि संसद की वह वित्तीय समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये प्राकलन समिति होती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जितने भी सदस्य होते हैं इसमें मंत्री नहीं होते हैं, किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये जो कथन सत्य असत्य के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपके लिए तैयार रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसके जो भी सदस्य हैं इसमें मंत्री नहीं शामिल होंगे। अब जो हमारे सामने लेटेस्ट अपडेट आई है वो है इसके अध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये है अधीर रंजन चौधरी,
ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष का नेता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वैसे विपक्ष का नेता कोई नहीं है, ये पद रिक्त है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहें तो अधीर रंजन चौधरी है। प्राकलन समिति के जो है ये है गिरीश भालचंद्र, गिरीश भालचंद्र है। और लोक उद्यम समिति के हैं संतोष कुमार, ये लेटेस्ट बने हैं अभी। और इन सब का कार्यकाल जो होता है एक वर्ष होता है। मेरे कहने का मतलब है कि प्राकलन समिति का कार्यकाल एक वर्ष, जो नई गठित होती है, मतलब हर साल गठित होती है इसकी, इनका भी एक वर्ष और इनका भी एक वर्ष। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। एग्जाम में खूब आते हैं ये क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा इसके कार्यों की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम इसके कार्यों पर बात करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, देखिए इसका काम क्या है। आपने कभी कैग का नाम सुना होगा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारतीय वित्तीय स्थिति का लेखांकन और लेखा परीक्षण करता है। नाम सुना होगा आपने, हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ते भी हैं। कैग होता है भारत की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा रखता है, लेखांकन और लेखा परीक्षण करता है, इतना जान लीजिए। ये क्या होता है, ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट करता है ना, ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। अब रिपोर्ट है, ऐसे तो है नहीं कि संसद पर चर्चा हो। संसद जो है इसकी जो जांच करवाता है वो पीएसी से करवाता है, पब्लिक ऑडिट कमेटी से। बस ये काम होता है इसका। पीएसी का काम क्या हो गया, महत्वपूर्ण काम, कैग ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसकी जांच करना। लेकिन ये आई कैसे, राष्ट्रपति के माध्यम से, संसद के अंदर। ये जो पीएसी है ये है कैग से सलाह भी ले सकती है, मतलब विचार विमर्श कर सकती है। इसी कारण से कैग को पब्लिक ऑडिट कमेटी का मित्र कहा जाता है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र कौन होता है, कैग होता है। सेम यही प्रोसेस इधर है, कैग है, डिटो, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएंगे, संसद इसकी जांच के लिए ये कोपू को देगी। सेम डेट, बस अंतर यही है कि यहां ऑडिट रिपोर्ट होती है और इस जगह पर लोक उद्यम से संबंधित रिपोर्ट होती है। लोक उद्यम से संबंधित रिपोर्ट होती है। अब ये लोक उद्यम क्या होते हैं, लोक उद्यम वो होते हैं, या आप कह सकते हो ऐसे उद्यम जिसमें सरकार का पैसा लगता है, सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, सरकार को ही लाभ और हानि होती है। इस प्रकार के उद्यम को हम लोक उद्यम कहते हैं, जैसे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक प्रकार का लोक उद्यम है। इससे संबंधित जो रिपोर्ट है कैग राष्ट्रपति को देता है,
राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं, संसद इसकी जांच के लिए कोपू को देती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उद्यम समिति पर। क्लियर? आइए, अब बच गई ईसी। जो बजट होता है, आप जानते हो बजट अनुमान पर आधारित होता है। आप भी अपना बजट बनाते हो, अपने मम्मी पापा को अपना बजट बना के देते हो कि इतना है, इतना कॉस्ट लगेगी, इतना मुझे पैसे चाहिए, तो बढ़ा चढ़ाकर ही बताते हो और अनुमान पर ही आधारित होता है। देखिए, यह है अनुमान पर आधारित होता है। और इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। अब देखिए, इस बजट की जो जांच करती है ना, वो ईसी करती है, एस्टीमेट कमेटी। और जांच क्या करती है कि ये जो बजट है वास्तविकता के कितना निकट है। क्लियर? एक बार आप इसे राइट डाउन करो। तो पीएसी, कोपू, ईसी, इसके बारे में हमने जाना। बजट की जांच ईसी करती है कि बजट कितना सही है, वास्तविकता के कितना निकट है बजट, इसकी जांच करती है। लोक उद्यम से संबंधित हमने बात कर दी। तो ये पीएससी, ईसी, कोपू आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप सदस्य का ध्यान रखें, अध्यक्ष कौन है इसका ध्यान रखें और इसके काम पर थोड़ी नजर रखें। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा प्रयास आपके सामने पेश किया है। आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।